बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। आओ बताओ तुमको मैं इनसे आसान की ये बातें कैसे तुमको बेवकूफ बना दे, ताकि आशियां कर सके इनकी औलादे। झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे, झूठ बोले कब काटे। अस्सलाम वालेकुम, सब क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम समन, आप ही आप सुनाएं, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बस जी अल्हम्दुलिल्लाह, रमजान चल रहा है, रोजे चल रहे हैं। क्या बातचीत हुई, बोले से मुलाकात हुई तुम्हारी? उसके जी रोज ही नए लिफाफे होते हैं, मैं अभी खड़ा हुआ था उसके साथ दुकान पे, तो वो मुझे जनाब बता रहा था, वो कोई मंसूर अली साहब के साथ इंटरव्यू किया, मरियम नवाज साहिबा ने, उधर कोई गाड़ी का जिक्र हुआ, कोई BMW गाड़ी है कोई पता नहीं, तो वो तो कहता है जी उनके पास है ही नहीं, PTI ने शोर मचाया हुआ हर तरफ के उनके पास गाड़ी है गाड़ी है, ये क्या चक्कर है जी, मुझे भी समझाया ना, मैं तो परेशान फेर रहा हूँ उधर। कौन से इंटरव्यू की बात कर रहे हो? वो जो मंसूर अली खान को दिखाया है, मरियम नवाज का इंटरव्यू है, और स्टूडियो वाले भाई जरा चलाना वो वाला क्लिप जरा, इसको भी अभी ना करें प्लीज, मैं पहले सुन लूं सवाल, क्योंकि मेरे पास तो कोई गाड़ी नहीं है भाई। नहीं, UAE की रॉयल फैमिली से आपने 2009-2010 के अंदर, कहाँ है ये रिकॉर्ड में है? ये JIT की रिपोर्ट में आया भाई, क्या डिक्लेयर्ड है आपके रिटर्न्स के अंदर? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपके पास कभी BMW गाड़ी नहीं रही 2009-2010 में? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मरियम सफदर ओन्ड, ये अब एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रही, मरियम सफदर ओन्ड BMW कार विच वॉज गिफ्टेड टू हर बाय द UAE रॉयल फैमिली and the value of the car declared as ₹3.5 million in the tax year 2009-2010. The same car was declared to be sold on a profit of ₹19.66 million. तकरीबन 2 करोड़ रुपए की आपने वो गाड़ी बेची in the year 2011-12. आप पिक्चर इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। ये देखें वो खान साहब कहते हैं ना, झूठ भी इतने सीधे मुंह से बोलते हैं, ये करते किस तरह है भाई? वो जरा BMW तो मोहतरमा कह रही है बेगम सफदर के इनके पास है ही नहीं, तो स्टूडियो ऐसा कह रहे हैं जरा इनको दिखा देते कि कौन सी BMW नहीं है मोहतरमा के पास। ये भाई BMW की भरमार है, ये खुद बेगम साहिबा, आप देख लीजिए तस्वीर में इनको दिखेगा, ये जब नैब के कोर्ट में आई थी 2017 में, तो ये BMW में बैठ कर आई थी, और इसका वीडियो भी हमारे पास एविडेंस है कि आपको देखिए कि मरियम औरंगजेब है, उनके पीछे ये गाड़ी बीएम करती थी, और ये आप जरा देखते कि कौन है, मुझे स्टूडियो आपको दिखाएंगे। ये देख लें अब आप, मतलब अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, अब किस किस से क्या क्या छुपाएंगे ये लोग। अच्छा एड़ा, एड़ा सफेद झूठ, लाइक मैं तो जदो देखा मैं औरत है रमजान में माशाल्लाह दुपट्टा रखा हुआ है, और कहां झूठ बोलेगी ऐसी औरत, ये तो मल्ले की फप्पे कटनियों से भी कुछ 10 साथ आगे वाली है, ये तो मॉडल भी डिफरेंट लग रहे हैं मुझे, जिनके पास एक नहीं उनके पास कितनी। वो क्या लंदन, क्या BMW का लंडा बाजार ही लगा के रखा हुआ इन्होंने क्या? नहीं वो बल्कि ये तो जिस तरह खान साहब का लंगर चलता है ना जमान पार्क में, उस तरह तो इनके पास BMW है, पास नहीं है, मुझे भी दे दें एक, चलो मैं भी कुछ छोटी मोटा गुजारा करके शो मार लूं, मेरे को भी BMW है। वैसे ना मैं भोले के साथ खड़ा था, मैं बेवकूफ आदमी है, मैं तो बड़ी उसकी अजीब बातें लगती है मैनू, वोट तो मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ नु देना है। बहरहाल आपके लिए जनाब चैलेंज आया है, एक बहुत बड़ी साफी है हमारे मुल्क की, उन्होंने खान साहब को चैलेंज दिया कि अब देखें ना कितना टफ सवाल किया, अब ये जरा चैलेंज दिखाना स्टूडियो वाले भाई इनको खान साहब। एक तो चैलेंज ये जरूर चैलेंज है कि ऐसा इंटरव्यू इमरान खान साहब भी जरा देख के बताए, एक तो उनको ये जरूर चैलेंज करना चाहिए, इमरान खान साहब तो इंटरव्यूज ही उनको देते हैं जिनसे वो उनकी मिली भगत होती है। इमरान खान साहब ने कितने सारे अभी जो हैं वो दिए हैं इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज दिए हैं, तो वो CNN पे भी है, तो वो स्काई पे है, तो वो TRT पे है, तो वो अल जजीरा पे है, तो वो टाइम्स पे है, पॉडकास्ट पे, कितने इंटरनेशनल मीडिया को अभी उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। मैं कहती हूँ इतने सारे ना दे मरियम, आप जो है वो असमा शिराजी साहब को कहते हैं, आप बोले वो कहते हैं कि
बेगम सफदर से कहें कि वो मरियम बीबी आप खाली एक किसी एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर को या टीवी वालों को या किसी को इंटरव्यू देके दिखा दें तो देख लें फिर क्या होता है, क्या ख्याल है आपका? मुसर इंटरनेशनल मीडिया पे खान वैसे बंदा मुझे जो है ना सही बंदा जो है ना वो सही लगता है, वो मैंने देखे हैं उसके दो चार, अंग्रेजी मेरी कमजोर है लेकिन मैंने देखा उसको इधर उधर केबल टीवी के ऊपर ना मुख्तलिफ जगह पे इंटरव्यू देते हुए। अच्छा वैसे ये भी मंसूर अली खान भी बड़ा दलेर बंदा है, इसने भी ये मैंने इसकी एक वीडियो देखी बड़ी, वो भी उसमें भी ये बड़ा कहता है जनाब के हम इसको किसी ने मना किया वीडियो नहीं दिखानी तो कहता है हम तो साफी हैं, हमने तो सब सच सामने लेके आना होता है। तो बंदा सही है मंसूर अली खान है। अच्छा ये आपके पास है स्टूडियो, ये वाली वीडियो जरा दिखाइए। स्टूडियो मैंने पिछले दिनों एक इंटरव्यू किया, इंटरव्यू के बाद वो जो मेरा गेस्ट था उसने मुझे कहा कि जी वो ना उस इंटरव्यू में से ये एक दो चीजें जरा निकाल दीजिएगा। मैंने उस बात को ना उस वक्त इग्नोर कर दिया क्योंकि आई वॉज रियली ऑफेंडेड कि ये मुझे बात क्या कह रहा है ये गेस्ट जो है। उन्होंने कहा मैं पहले इंटरव्यू मैंने देखना है उसके बाद आप इसको ऑन एयर कीजिएगा। मैंने कहा जी आप हाथ नहीं लगा सकते उस इंटरव्यू को। उन्होंने कहा मैं भी देखता हूं ये इंटरव्यू जो है वो किस तरह ऑन एयर जाता है। मैंने कहा किसी के बाप के अंदर अगर जरूरत है ना तो रोक के दिखा ले, ऐसी की तैसी मैं देखता हूं इंटरव्यू कौन रोकता है। बड़ी जरूरत है हाँ बिल्कुल, लेकिन ये तो पता नहीं किस इंटरव्यू के बारे में बात थी, क्योंकि अब जब मरियम सफदर साहिबा का इंटरव्यू हुआ है तब तो लहजा और अल्फाज सब बिल्कुल बदले हुए थे मंसूर साहब के। जरा सुनाइएगा। स्टार्ट करता हूँ तो उसके ऊपर सडनली एक जगह पे जाके मरियम नवाज साहिबा वो बीच में कहती हैं कि एक मिनट जी रोक दें इसको, ये वाला पोर्शन मत डालिएगा, ये ठीक है, ये बड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पे बाद में जब रिकॉर्डिंग खत्म हुई और हम लोग वापस आए और तब हमने बैठ के ये फैसला किया कि नहीं ये पोर्शन हम ऑन एयर नहीं कर सकते क्योंकि जो गेस्ट है उसने कह दिया कि जी ये मत। मैं उस एथिक्स के कोड से बाउंड हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं इसके ऊपर। और मैं आपको बता दूं ये अभी आपने देखा है, ये आइंदा मुस्तकबिल में भी अगर मेरे साथ कभी कोई गेस्ट बैठेगा और मुझे कहेगा जी प्लीज ये पोर्शन मत चलाइएगा आई विल हैव टू फॉलो दैट। ये देख लीजिए इनके ये कोड है और ये मतलब आप खुद, मैं क्या कहूँ, आपने खुद देखा है। ए नहीं बंदा नु पूछे तू बंदा क्रिकेट लाइक एक वीडियो में तो इतना चौड़ा हो गया जी मैं दिखाऊंगा जो मर्जी कर लो ये है वो है फलाना टिंगाना है, दूसरे में वो क्या कहता है एथिक, एथिक किधर से आ गई? ये तो बड़ी मैं तो भी जो है ना मैं बड़े को भी समझाता हूँ कि ये जो बड़ा जो है ना बेवकूफ बनाते हैं आवाम को, आम बंदे को बिल्कुल ये समझते हैं कि हमको अकल नहीं है। देखिए भाई अब वो जमाना नहीं रह गया है कि वो अखबार की सुर्खी किसने काट के रख ली तो रख ली, या वो किसी ने को वो नहीं, वो वीसीआर के जमाने में खबरनामे में रिकॉर्ड हो गया तो हो गया, अब वो जमाना नहीं है। अब तो हर चीज जो है वो एक एक फोन के ऊपर एक एक उसके ऊपर अवेलेबल होती है, अब वो जमाना थोड़ी रह गया। अब तो इनको ये बात समझ जानी चाहिए कि ये झूठ बोले और बोला जी कवा काटे। Okay, got it.